नेक्स्ट वन असि देखांगे कि जो एटॉमिक रेडियस है ये अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप किद्दां इनक्रीज करता या डिक्रीज करता, बिकॉज सिलेबस दे विच मोस्टली जो है एदी वेरिएशन दी ही गल कीती हुई है। सो कि दो तरह असि वेरिएशन चेक कर दे, एक अलोंग द पीरियड एक गल कर दे डाउन द ग्रुप, मतलब पीरियोडिक टेबल दे विच जे आपां इधर नूं जाइए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर अप टू डाउन जाइए एटॉमिक रेडियस वधेगा या घटेगा, सिंपल यही गल होएगी। सो पहला तो तुहानूं एटॉमिक रेडियस क्लियर है ना कि हुंदा कि न्यूक्लियस दे सेंटर ते आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे विचकार वाला डिस्टेंस। सो नो कंसेप्ट दी ना, सिर्फ तुहानूं एक चीज पता होनी चाहिए न्यूक्लियर चार्ज कि न्यूक्लियर चार्ज किद्दां नूं वधदा किद्दां नूं घटदा, जे तुहानूं यह गल क्लियर है ना तो यह कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। सो ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ 1 2 3, ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਨਾ 1 2 ਫਿਰ 3 4 5 6 7, ਸੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਧਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ जे न्यूक्लियर चार्ज वध रहा, असीं इधर तो इधर जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज वध रहा, जे चार्ज वध रहा तो की होएगा, न्यूक्लियस दा चार्ज वध गया तो जिहड़ा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होएगा बाहर वाले शैल दा उहनू खिंच लेगा अपने वल, तो जो इत्थे सीगा थोड़ा लागे आ जाएगा तो साइज की कर जाएगा घट जाएगा। क्लियर समझे? एज वी मूव अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीजेस, सो एज द न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीजेस द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनक्रीजेस, अट्रैक्शन बढ़ गई, सो देयरफॉर साइज की हो गया डिक्रीजेस, बिकॉज एटॉमिक रेडियस जो साइज की सी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्लियर ना। सो वो घट गया, सो साइज की कर गया घट गया, एज वी मूव अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस कारण तुहानू क्लियर हो गया। नेक्स्ट असीं गल करदे हां डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप भी ऑब्वियसली वध रहे ने इलेक्ट्रॉन्स तो वध रहे ना, तो नंबर ऑफ क्योंकि एटॉमिक नंबर तो वध रहा जंपिंग हो रही, बट एटॉमिक नंबर दे नाल नाल ना एक होर कंसेप्ट आ जांदा। जे तुसी पीरियोडिक टेबल नूं ध्यान नाल देखियो ना तो उहदे विच तुसी नोट करियो जिहड़ा पहला ग्रुप होएगा, पहला होएगा ना पीरियड, उहदे विच वन शैल दी ही फिलिंग होएगी, जिहड़ा 1s 1p उहनां दी 1p तां हुंदा नहीं सॉरी 1 दी फिलिंग होएगी, और सैकेंड आ सैकेंड दे विच फिलिंग कीदी होएगी 2 शैल दी, थर्ड दे विच तीसरे शैल दी 2s 2p, इहदे विच 3s 3p, यानी कि इहदे विच फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मीन्स टू से अप टू डाउन द नंबर ऑफ शैल इनक्रीजेस, शैल वधेगा। लेट्स से देख लिया गल, पहला न्यूक्लियस है तो यह पहला शैल है, इतने इलेक्ट्रॉन बैठा यानी डिस्टेंस घट, फिर शैल दूसरे शैल च इलेक्ट्रॉन चल गया, दैट मीनस दिस इज फर्स्ट दिस इज अ सेकंड शैल, सो यह डिस्टेंस की कर गया वध गया, पहला पहले शैल तक से दूसरे फिर इदा ही वो तीसरे शैल से चल गया डिस्टेंस होर वध गया। सो शैल वधन नाल इलेक्ट्रॉन्स की कर रहे हैं न्यूक्लियस तो दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो डिस्टेंस वध रहा, डिस्टेंस वध रहा तो मतलब की वध रहा एटॉमिक रेडियस वध रहा, ठीक है। सो डाउन द ग्रुप साइज की कर रहा इनक्रीज कर रहा, बट अलोंग द पीरियड साइज की कर रहा डिक्रीज कर रहा। आई होप तुहानू ये कारण क्लियर हो गया होवे, कारण भी दस दिता, पेपर च क्वेश्चन आ सकदा। नेक्स्ट जो असीं गल करन जा रहे हैं दैट इज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस विच एटॉमिक रेडियस तो बाद सेकंड जो गल कीती आ दैट इज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की हुंदी है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैशियस एटम, यानी एनर्जी जिहड़ी है सानू रिक्वायर्ड है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कितो फ्रॉम द आइसोलेटेड गैशियस एटम, यानी कि देखो तुम इना तो पता है जो इलेक्ट्रॉन आ सारे न्यूक्लियस की पुल नाल बजे हुए हैं, ठीक है, एटम के अंदर, यानी कि जो इन्होंने मैं एटम के इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़ना तो मैंने ओनली एनर्जी चाहिए होनी, काफी एनर्जी चाहिए है ना इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़ने लिए, क्योंकि न्यूक्लियस की पुल ने उन्होंने खिंचा है, न्यूक्लियर चार्ज ने उन्होंने खिंचा हुआ है, सो उही एनर्जी को आप कहने आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बट पेपर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा यदि वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप से ज्यादा वो एक्सेप्शन जीडिया ना वो क्वेश्चन आएगा, सो मैं सारिया इतने ही कवर करवा देनी है। सो गल करते हैं अलोंग द पीरियड, बहुत ज्यादा ईजी वे ना समझ आने वाला, ठीक है। देखो अगेन तुम जे चार्ज का क्लियर आ, जे मैं तुम दसिया ना कि अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज की करता इनक्रीज करता, देखो तो तुम बहुत ईजीली समझ आएगा न्यूक्लियर चार्ज इधर की करता इनक्रीज करता, जी चार्ज वधेगा, जी चार्ज वधेगा यानी कि वो जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा पकड़ लेगा,
जिदा जिदा आप एनू जावांगे चार्ज वध रहा, यानी कि वो जिहड़ी पुल आ न्यूक्लियस ते आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे विचकार वो वध रही, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वधेगा तो इलेक्ट्रॉन होर अपने वल खिंचेगा जिहदे करके साइज घटदा सी, तुहानू याद होवे। जदों आपां इधर होंगे चार्ज न्यूक्लियस दा वध रहा, यानी कि इलेक्ट्रॉन होर बच रहा न्यूक्लियस दे नाल, तो उहनू कढ़ना की हो रहा फिर औखा, जे किसी नूं किसी ने बन्निया होया तो उहनू कढ़ना की होएगा, उत्थों औखा ही होएगा ना। सो इस करके इधर नूं चार्ज वध रहा, जिहड़ी पुल बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वध रही, इलेक्ट्रॉन कढ़ना की हो रहा औखा, इस करके तुहानू ज्यादा एनर्जी लानी पएगी उहनू बाहर कढ़न लई, उस इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़न लई एनर्जी ज्यादा लानी पएगी, दैट मीनस अनशन एंथैल्पी कर गई वध ली। सो अलोंग द जे मैं पीरियड गल करा, अलोंग द पीरियड अनश एंथैल्पी इनक्रीजेस। हुण मैं गल करदी हां डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जे आपां गल करिए तुहानू पता डाउन द ग्रुप जिहड़ा शैल लाओ इनक्रीज कर रहा, यानी कि जिदा ये न्यूक्लियस है, लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शैल, इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शैल, दिस इज द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शैल, यानी जिदा जिदा इलेक्ट्रॉन जेडे आ पहले शैल चा यानी कि न्यूक्लियस से लग गए, दूसरा शैल थोड़ा दूर चल गया, तीसरा शैल होर दूर चल गया, यानी जिदा जिदा आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं शैल इनक्रीज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस तो दूर जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है यानी हम तीसरा इलेक्ट्रॉन कढ़ना तो सौखा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस तो काफी दूर चल गया, चार्ज इतने तक इतना नहीं पहुंच पाएगा, पुल घट जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन कढ़ना की हो जाएगा सौखा हो जाएगा। सो इस करके डाउन द ग्रुप आप जो जाने एनर्जी की करती है एंथैल्पी घट दी, क्यों, क्योंकि मैंने एनर्जी नहीं इन्नी चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़ने लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस तो काफी दूर चल गया जो आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, समझते ना, डाउन द ग्रुप शैल इनक्रीजेस, देयरफॉर द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, सो इट इज इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शैल, सो एंथैल्पी डिक्रीजेस, सो डाउन द ग्रुप एंथैल्पी कर दिया डिक्रीज कर दिया, अलोंग द पीरियड इंक्रीज कर दिया, बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, सो एक्सेप्शन चो ही क्वेश्चन बन जाना, वो देख रही आप एक्सेप्शन की है, ठीक है। सो एक्सेप्शन फर्स्ट इज जो आप गल करिए जो पीरियोडिक टेबल मैं दिखाया तो लिखा है ना बी सी एन ओ एफ एन ई, सो ऑर्डर एक बार लिख लेना। सो जो तुम मैं पूछा एन ते ओ, एन ते ओ दे विचों मैं जब तुम पूछा, चलो इतने लिख दें बी ई ते बी दे विचों भी पूछा, तो तुम बोलोगे कि इधर नु तुसी दस्या कि एस एंथैल्पी इनक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली बोरोन दी बेरियम नालों ज्यादा होगी, एक इनू हाईलाइट कर लियो एक्सेप्शन, ते जे मैं तुहानू इहदी नाइट्रोजन दे ऑक्सीजन च पुछा तुसी बोलोगे कि अलोंग द पीरियड वधी इसलिए ऑक्सीजन दी ज्यादा होगी, किहदे नालों नाइट्रोजन नालों, इह बट उल्टा हुंदा, बेरिलियम दी ज्यादा हुंदी बोरोन नालों, इहदी नाइट्रोजन दी ज्यादा हुंदी ऑक्सीजन नालों, कारण देखदे होणी आपां, इधरों नाइट्रोजन दी ज्यादा आ ऑक्सीजन नालों, कारण ओनली तुहानू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी चाहिए, ठीक है। जे तुहानू एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह नहीं लिखनी आउंदियां तो तुसी एक बार यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किद्दां लिखदे, या कमेंट बॉक्स विच मैंने कमेंट करके दस देना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ओके। सो फर्स्ट नाइट्रोजन दी असीं ऑक्सीजन दी गल करदे आ, नाइट्रोजन दा एटॉमिक नंबर हुंदा 7, ऑक्सीजन दा एटॉमिक नंबर हुंदा 8, कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3, क्योंकि एस च दो जांदे पी च तीन जांदे आ, ऑक्सीजन दी 1s2 2s2 एंड 2p4, पी दे ऑर्बिटल किन्ने हुंदे 3, जे मैं 3 इलेक्ट्रॉन फिल करा कुछ तुहानू इदां देखण नूं मिलणगे, जे पी च मैं 4 इलेक्ट्रॉन फिल करा वो कुछ इदां देखण नूं मिलणगे, क्लियर। किहदे विच सिमिट्री आ, 3 वाले च कि 4 वाले च, इह च सिमिट्री आ ना, एक 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 इह च 2 इह च आ, इक इह च सिमिट्री नहीं है, सिमिट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, जिन्नी सिमिट्री होएगी स्टेबिलिटी ही होएगी, ज्यादा स्टेबल चीज दे विचों इलेक्ट्रॉन कढ़ना कोई सौखा बिल्कुल भी नहीं, स्टेबल मतलब स्थिर, ठीक है, सॉरी। इथे असी गल करदे पए आ 1s2 2s2 2p3, यानी p दे इथे हाफ फील्ड आ, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन इज वेरी स्टेबल, जिहड़ी हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन हुंदी आ ओह बहुत ज्यादा की हुंदी आ, स्टेबल हुंदी आ, सो इथे हाफ फील्ड आ, इथे हाफ फील्ड नहीं हैगी, याद रख मैं दस देनी केड़ी केड़ी हाफ फील्ड हुंदी आ ते फुली फील्ड हुंदी आ, देखो s p ते d, हाफ फील्ड इहदी होएगी 1, फुली फील्ड किन्नी हो जाएगी 2, हाफ फील्ड 3, फुली फील्ड 6, हाफ फील्ड 5, फुली फील्ड 10, जदों भी तुहानू हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड कॉन्फिगरेशंस देखने नूं मिलन, कदी भी तुहानू हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फिगरेशन देखने नूं मिलन, दे आर द वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल कॉन्फिगरेशन हुंदी आ हाफ फील्ड फुली फील्ड, उहनां च इलेक्ट्रॉन कढ़ना सौखा नहीं हुंदा, सो उत्थे ज्यादा एनर्जी चाहिए, सो यही कारण होया कि नाइट्रोजन दे विच हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन आ, इस करके जो इलेक्ट्रॉन कढ़ना की औखा, इस करके ज्यादा एनर्जी लगेगी, सो इहदी एनर्जी वध गई किहदे नालों ऑक्सीजन नालों, सेम जो तुसीं इहदे लिखोगे ओह की आएगी 1s2 2s2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 हुंदा, इहदा 5 हुंदा, 1s2
2s2 2p1। सो ये देखो फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल कॉन्फिग्रेशन किया फुली फिल्ड इस करके एच इलेक्ट्रॉन करना किया आपका। सो इस करके जो ये बच जाएगी बोरोन नाल क्लियर है। एक्सेप्शन है ज्यादा क्वेश्चन जो तुम पेपर च देखने मिलेगा। सो बाकी जो फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीडेशन स्टेट केमिकल रिएक्टिविटी बैलेंसी ठीक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो च डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो च इन्ना ही रख दिया। जो तुम्हें वीडियो पसंद है लाइक एंड कमेंट करके जरूर दसना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।